ये पूरी प्रक्रिया में हम लोगों ने जो देखा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और समर संस्था के साथ हम लोग मिलके जो एक प्रोग्राम बनाए हैं, इससे जो एक हमको सीख मिली है, उस सीख में हमने ये देखा कि गांव में काम करना है तो किस तरह से हम गांव में ग्राम प्रधान के थ्रू और वहाँ के अन्य स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके ऐसे लोगों के लिस्ट तैयार कर सकते हैं जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं, जिनको इस समय कुछ कोविड में अलग से मदद की आवश्यकता है। और शहर में जैसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि तमाम स्लम एरिया ऐसे थे, तमाम मलिन बस्तियाँ ऐसी थी जहाँ पे हम लोगों ने कम्युनिटी के वॉलंटियर्स निकाले और वो वॉलंटियर्स ने हमको वो एक्चुअल लोगों की लिस्ट दी जिनके पास असल में न तो राशन कार्ड था और यह कह सकते हैं कि जो वास्तव में हकदार थे एक वन टाइम असिस्टेंस के। और क्योंकि हम लोगों जब मलिन बस्तियों में गए तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे ऐसे लोगों की संख्या कमोबेश ज़्यादा थी जिनके पास जो कहीं ना कहीं अलग अलग सोर्सेज से सामान मिल रहा था, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो घरों में ही थे, जो निकलने को तैयार नहीं थे या जो निकल नहीं पा रहे थे, अपनी बात कह नहीं पा रहे थे। तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करने का तरीका हमारा ऐसा रहा कि हमने जैसे हर एक मलिन बस्ती में कहा कि भाई आप लोग ढूंढो ऐसे लोग जो मिलेंगे उनको हम अलग बुला के राशन देंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये ज़रूर किया कि हम लोग उन बस्तियों में नहीं गए, हम उन बस्तियों से थोड़ा दूर बुला के लोगों को जो है राशन की मदद किए हैं। उससे एक ये रहा कि लोग आसानी से आ गए, लेके गए, भीड़ नहीं हुई। तो ये एक जो तरीका था हमारा लोगों को आइडेंटिफाई करने का, लोगों से मिलने का, लोगों से बात करने का, लोगों की समस्याओं को समझने का, उससे हम लोगों को भी बहुत सीख मिली। और हम ये कह सकते हैं कि हम जो है विश्व खाद्य संगठन के साथ में काम करते करते उनको भी जो चीज़ें थी हमारी हम बताते रहे समय समय पे, तो एक बेहतर साझा समन्वय से यह कार्यक्रम किया जा रहा है और इससे निस्संदेह हम आगे चल के और बेहतर कार्यक्रम बना सकेंगे।